आप लोग आ गए अफनान भाई के घर के नीचे। अभी आप लोग सामने देख सकते हैं। कहना चाहते हो कि अलविदा मुबारक। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस फिलहाल अभी बज रहा है रात के 10:30 और आज मैं बना रहा हूँ व्लॉग बहुत दिनों बाद। कम से कम मैं बना रहा हूँ व्लॉग 2 हफ्ते का। मैंने दोबारा ब्रेक ले लिया था गाइस, क्योंकि जैसा आप लोग वीडियो पे रिस्पॉन्स कर रहे थे इस वजह से मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया था। तो मैं सोचा थोड़ा दिन का ब्रेक लिया जाए, कुछ अच्छा कंटेंट डालेंगे, और उस बीच में मेरे को कुछ कंटेंट ही नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा क्या करें यार, फिर जब अलविदा पास आई तो मैं सोचा डायरेक्ट अलविदा में व्लॉग बनाएंगे। गाइस कल है रमज़ान का आखिरी जुम्मा, तो मैं बहुत सैड हूँ। बैटर थर्डे को रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगी, तो पता नहीं चला रमज़ान कितनी जल्दी आई। और अभी हम लोग ने रमज़ान का पहले जुम्मे का सैड इफ्तार रूटीन का व्लॉग बनाया था, उसके बाद जल्दी रमज़ान बीत गया पता ही नहीं चला। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और आज है लैलतुल कद्र, यानी आज है जागने की रात। ये दो जागने की रात में मैं घर ही में जागा था, तो आज मेरा क्या प्लान है कि आज मस्जिद में जागेंगे, क्योंकि मस्जिद में जागना अच्छा भी रहता है। और 2 दिन से मैं सोच भी रहा था लेकिन किसी वजह से मैं जा नहीं पाया था, तो आज फाइनली मैं मस्जिद में जाऊँगा। तो अभी बज रहे 10:30, तो जब हम मस्जिद जाएंगे तब लोगों को कंटिन्यू करेंगे। बाकी गाइस अभी मैं अपने आप लोग देख सकते हैं हेयर इतने मतलब इतने बड़े हो गए कि मेरे को कैप पहन के व्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो इस वजह से सीरीज़ का आखिरी व्लॉग भी आएगा मंडे या ट्यूजडे को, मिल जाऊंगा क्योंकि हेयर कट करवाने वाला हूँ ईद में। एनीवेज गाइस व्लॉग स्टार्ट हो गया। जिसने भी व्लॉग को लाइक नहीं करा व्लॉग को लाइक कर दो, मेरा चैनल आयनाकोनिक को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। और गाइस बाकी गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी हम लोग जाने वाले मस्जिद जागने, तो अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 1:30 AM। सो गाइस आप लोग ने टाइम देख ही लिया होगा, अभी बज रहे हैं 1:30 AM। तो अभी हम लोग क्या करते हैं मस्जिद चलते हैं, फिर जब सहरी होगी ना फिर हम वापस घर आ जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हम लोग आ गए मस्जिद से और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं दिखाऊंगा जहाँ भी जाएंगे। पर माज भाई और मैंने सोचा कि कहीं चलते हैं, तो जहाँ पे भी जाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी 3:00 रहे हैं, मतलब तो देख सकते हैं आगे आगे है, यहाँ पे सन्नाटा है पूरा, आगे है रोशनी से दिखाऊंगा। अभी हम लोग आ गए अफनान भाई के घर के नीचे। अभी आप लोग सामने देख सकते हैं, अभी हम लोग कंट्रोल, अभी हमने अफनान भाई को नीचे बुलाया, तो देखते आते कि नहीं आते। आओ चाय पीने, चाय चाय अब तुम देखो बनी की तैयारी कर रखी थी मैंने, पहले ही बंद कर दिया था मैंने, तो नई वीडियो नहीं बननी चाहिए। बच्चे क्या पहले वो बच्चे थे आते बच्चे हैं वहाँ, बच्चे क्या नहीं आ रही जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 3:50 हो रहा है और 4:30 की आज सहरी है, तो लेट ना हो जाए तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं घर। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पे और अभी मैंने सहरी भी कर दी है। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं पीछे 4:05 हो रहा है, तो जल्दी से सहरी पूरी कंप्लीट कर कर आते हैं, फिर फजर की नमाज भी हम लोग पढ़ने जाएंगे। व्लॉग को डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे कल सुबह, तो मिलते हैं डायरेक्ट सुबह। The next day. So hey guys, assalam alaikum. So guys, अभी बज रहा है 12:15 और आज है अलविदा। तो आप लोग को मेरी तरफ से अलविदा मुबारक। बाकी गाइस अभी हम लोग जाएंगे नमाज़ पढ़ने, क्योंकि आज मस्जिद में भीड़ ज़्यादा ही हो जाएगी, तो हमें जल्दी से जल्दी नमाज़ पढ़ना निकलना चाहिए वरना हमें जगह नहीं मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से चलते नमाज़ पढ़ लें, फिर मिलते हैं आपसे। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا सो गाइस जुम्मे की नमाज़ हमने अदा कर ली थी और मैं जा रहा हूँ अभी किसी काम से। एक्चुअली काम से मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाली है ईद और ईद के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। बाकी मैंने सारी शॉपिंग तो कर ली है, बस मेरे को अपना शूज़ लाना बाकी है। तो मैंने सोचा जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है और अभी हम लोग जाते हैं शॉप पर, देखते हैं कैसे शूज़ लगे हुए, तो जो पसंद आएगा वैसे हम शूज़ ले लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पर आपको। तो गाइस सबसे पहले हमने शॉप देखी थी ये वाली, यहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे और मेरे को एक जूता पसंद भी आया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे को एक वाला लाइट ब्लू वाला शूज़ पसंद आया, तो जब जल्दी से इसके प्राइस पूछते हैं और जैसा कुछ होगा मैं आपको बता दूँगा फिर मैंने इसको बाय करा या नहीं करा। सो गाइस वाली शॉप से हम लोग चले गए थे क्योंकि जो मैंने शूज़ पसंद करा था ना वो थोड़ा डिफेक्टिव पीस भी था और भाई उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, हमारी देन से बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। इसी वजह से अब हम आए आलम मार्केट, तो देखते हैं यहाँ पे शूज़ मिलता है कि नहीं। सो फाइनली गाइज मैंने अपना शूज़ ले लिया है और जो मैंने वीडियो में क्लिप में दिखाया था ना उसी में से एक शूज़ लिया है, पर गाइज मैं बता नहीं रहा कौन सा शूज़ लिया है। बाकी मैं तब बता दूंगा जब मैं कभी आगे पहनूंगा ना, तब मैं बता दूंगा मैंने ये वाला शूज़ लिया, बाकी ये सीक्रेट है। सो गाइज अब जल्दी से चलते हैं घर, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करें। तो गाइज अभी हम लोग आ गए अलविदा जुम्मे की नमाज़ पढ़ के और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 और थोड़ी देर आने के बाद हम यही रेस्ट करने लग गए थे, फिर मैं सोचा थोड़ा व्लॉग बना लें। बाकी गाइस हो सकता है हबीब भी आया है तो उसके साथ भी व्लॉग बनाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस हबीब भी आ चुका है बड़े देर बाद व्लॉग में। हबीब कैसे हो आप? अभी आप सब ठीक हो ना? अभी ठीक हो ना सब? हाँ, चल रहा है। और गाइस बहुत रोना आ रहा है गाइस। रोना क्यों आ रहा है? अलविदा आ गए। अलविदा अलविदा चले गए। अरे पागल भाई, आप बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आए, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा तेज किसको कहना चाहते हो कि अलविदा मुबारक। फिर से फैशन इन्फ्लुएंसर वाले बाल लगाने बोले। अबे ये क्या है तगी सी। रात को नींद नहीं आई यार। नींद गई, चैन गया, मेरा भाई भूख भी लगती है कि वो भी गई। गारिंग ये डालियो तू। समझ रहे हो? सो गाइस अभी अपना ले जा रहा अपने घर, तो मैं भी जाऊंगा अभी ऊपर। तो सो गाइस अभी मैं आ गया नीचे से और अपना मैं अपने घर चले गए थे और भाई गाइस आप लोग पीछे टाइम देख सकते हैं 2:10 हो रहा है और अभी हम लोग क्या करते हैं कि मैं जैसे नमाज़ पढ़ गया है ना मैं नीचे आ गया था तुरंत, तो मैंने कुरान भी नहीं पढ़ा था, तो सबसे पहले अभी कुरान पढ़ कर आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। 2000 years later। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ सर की नमाज़ अदा करके और आप लोग ऊपर टाइम देख सकते हैं 5:25 हो रहा है और 1 घंटे बाद इफ्तार होने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग चलते हैं अपने किचन में, मैं दिखाता हूँ आज हमारे इफ्तार में क्या बनने वाला है। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, आगे वीडियो में मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे।
सो गाइस मैंने थोड़ी बहुत क्लिप दिखा दी थी इफ्तारी में आज क्या बनने वाला है। अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 5:45 हो रहा है और 45 मिनट बाद रोज़ा खुलने वाला है, तो रोज़ा खुलने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वां रोज़ा मुकम्मल हो गया है। बाकी गाइस अभी बन रहे हैं शाम के 7, जस्ट मैं अभी इफ्तार करके नमाज़ पढ़ कर आया हूँ। और गाइस एनीवेज गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी रेस्ट करने, क्योंकि इफ्तार खुलने के बाद ब्लॉग बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर जब मम्मी ईशा की नमाज़ पढ़ के आएंगे ना फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं और तला नीचे वाले रूम में आ गए थे। नीचे वाले रूम में आने के बाद फिर हम लोग फ्री फायर में BR रैंक मोड खेलने लगे, और जैसे हम लोग ने पहला मैच ही लगाया ना तो उसमें हमारे में हैकर आ गया, और ये हैकर है हेडशॉट हैकर, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना तगड़ा हेडशॉट मारता है, तो वीडियो में बने रही है। और जैसे ही तला को इसने मारा ना, तला तो पूरा ही शॉक हो गया था इसने कैसे मारा, फिर बाद में मेरे को भी मार दिया। ये देखिए गाइस कुछ करा नहीं, नगन चला ही, देखिए हैकर है, सेकंड हैकर आया मेरे गेम में। एक मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला, 8-9 बंदे देख रहे हैं, 9 बंदे इसको देख रहे हैं। ये माय गुडनेस गाइस, BR रैंक खेलने तब भी हैकर आया, अगर आपको यकीन ना हो तो हम अभी करके दिखाएंगे। ये देख लो आप, सामने देख रहे हो BR रैंक मैच है, अगर जब तक इसका भैया ने पढ़ रहा दिखाते रहेंगे। सेकेंड हैकर इन माई गेम, अयान भाई क्या पता नहीं कितने हैकर आए हैं गेम में। चिल्ला मत तेज, इतनी तेज को चिल्ला रहा। अब इसका टीममेट काट नहीं रहा, इसकी टीममेट की आईडी बैंड हो जाएगी। सो गाइस तला को हैकर ने मार दिया और मेरे को भी हैकर ने मारा था, तो भाई ये आइए हीरोइक लगाने के चक्कर में फ्री फायर खेल रहा है, और देख सकते हैं इसके गेम में तो क्या मार रहा है। टेक डाउन स्पीड 26 किल, भाई इसके 26 किल है। क्या कहना चाहेगा तू हैकर लोग को? मैं चाहता हूँ गरीना वालों इनकी आईडी बैन करो, दूसरी बार मेरे गेम में हैकर आया है। मैं था अब यार BR रैंक में आया है हैकर, बताओ। सो गाइस साला ने लाइफ में फर्स्ट टाइम हीरोइक मारी, इसका मुंह देखो। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिनर कर लिया है, आप लोग पीछे टाइम देख सकते हैं 8:45 हो रहा है। और आज के व्लॉग में अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। बाकी गाइस पिछले 2 व्लॉग में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आप दे रहे हो, इसी वजह से मेरे को डर लग रहा था व्लॉग बनाने में, क्या मतलब अगले व्लॉग में व्यू नहीं है। और मैं से एयर बड़े कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग एयर के ऊपर होगा, सीरीज का लास्ट व्लॉग, तो उसके लिए रेडी रहना। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।